आज हम गीता के तीसरे अध्याय को समराइज करेंगे। सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से देखेंगे और आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसे भी लेंगे। यानी जीवन जीने के और आगे बढ़ने के दो रास्ते भगवान ने हमारे सामने स्पष्ट किए। हमको जीवन कैसे जीना चाहिए, कौन सी शक्तियां हैं और जीवन का लक्ष्य क्या है। तो पिछले अध्याय में हमने ये समझ लिया था कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मा क्या है? आत्मा एक सर्वव्यापक नित्य शुद्ध चैतन्य है। दैट इज द कॉन्शियसनेस दैट इज प्रवेडिंग एवरीवेयर। तो हम अपने सच्चे स्वरूप के साथ एकाकार में होना चाहते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। जीवन में हमको तकलीफ कब होती है, जीवन की समस्या या परेशानी क्या है, कि जब हम अपने आप को किसी न किसी प्रकार की लिमिट में, किसी न किसी प्रकार की परिधि में, किसी न किसी प्रकार की सीमा में जब हम अपने आप को देखते हैं, तो हम अपने आप को जब सीमित पाते हैं तो उससे हमको दुख होता है। तो दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने तीन चीजों के बारे में बात की थी। पहले ज्ञान योग, कर्म योग और स्थिति प्रज्ञ पुरुष के लक्षण, कि हमें कैसा इंसान बनना है उसके लक्षण। और फिर उन्होंने कहा कि उस तरह के श्रेष्ठ मानव बनने के लिए दो मार्ग हैं, एक ज्ञान का मार्ग और एक कर्म का मार्ग। और ज्ञान योग में उन्होंने हमें, जिसे ज्ञान मार्ग को ज्ञान योग भी कहते हैं, योग इज यूनियन, तो हम हमारे भीतर जो आत्म तत्व है, हमारे भीतर जो इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस को, उस आत्म तत्व को, उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ, उस कॉस्मिक तत्व के साथ एकाकार की स्थिति में कैसे लाए, हाउ वी कैन बी वन विद द एग्जिस्टेंस। और इस अवस्था को कहते हैं द स्टेट ऑफ फ्लो। कई बार आप सबने इसको अनुभव किया होगा, कुछ भी काम जब आप करते हैं तो आप पूरी तरह से खो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। कई बार किसी बात को सुनते सुनते, कई बार किसी बात को कहते कहते, कई बार जब आप प्रकृति की गोद में होते हैं, किसी दृश्य को देखते हैं, तो अपने आप को आप भूल जाते हैं। वो जो पल हैं, और ऐसे पल बचपन में तो बहुत होते हैं, वो एक ध्यान की स्थिति है, वो एक एकाकार की स्थिति है। और ऐसी स्थिति में कई बार आप कविताएं लिखते हैं और कई बार आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो हम कई बार इसी अवस्था को, ये जो एकाकार की स्थिति है, इसे समाधि की स्थिति कहते हैं। तो कैसे हम अपने भीतर की वो जो तत्व है उसको इस विराट के साथ जोड़ दें, दैट इज कॉल्ड योग, दैट इज कॉल्ड यूनियन। और इसके लिए दो रास्ते भगवान ने बताए, एक उन्होंने कहा ज्ञान का रास्ता और दूसरा उन्होंने कहा कर्म का रास्ता। तो ज्ञान के रास्ते में तो उन्होंने क्या समझाया, उन्होंने ये समझाया, ज्ञान से अगर हम देखें तो उन्होंने कहा तुम्हारा सच्चा स्वरूप क्या है, आत्मस्वरूप। और आत्मस्वरूप को हम ज्ञान से, नॉलेज से कैसे जाने? तो भगवान कहते हैं जरा ध्यान से इस विराट सृष्टि को देखो, और इस पूरी विराट सृष्टि ये कैसे बनी, तो आज हम विज्ञान में भी इस बात को पढ़ते हैं, ये सारी सृष्टि जो है वो मटेरियल और ऊर्जा से बनी है। तो इसमें एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे बने, वो सब एटमिक पार्टिकल्स से बने, वो और छोटे जो क्वार्ट्स पार्टिकल्स हैं उनसे बने, और क्वार्ट्स पार्टिकल और छोटे जो पार्टिकल्स हैं ब्रह्मोस पार्टिकल्स, और उनसे बने, और वो किससे बने कि वो ऊर्जा से बने। और फिर भगवान कहते हैं वो ऊर्जा कहाँ से आई, तो पूरी हर एक चीज, भले ही हमारा शरीर, भले ही हमारे आसपास की चेयर, टेबल, फैन, प्लांट्स, एनिमल्स, सब हम एक ही मटेरियल से बने हैं। साइंस उस मटेरियल को कहती है एनर्जी, बट एनर्जी इज नॉट इनफ। इफ टेबल इज मेड अप ऑफ एनर्जी एंड आई एम ऑल्सो मेड अप ऑफ एनर्जी, बट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड मी। वॉट इज दैट डिफरेंस? दैट डिफरेंस इज हाउ दिस एनर्जी इज ओरिएंटेड। मेरा शरीर भी किन से बना है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। अगेन दिस टेबल इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मटेरियल। इसमें भी
कार्बन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी वही सारे एलिमेंट्स हैं. सो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ अस? तो वो कहते हैं कि किस प्रकार से हमारे शरीर के एटम्स का जो एक विन्यास है, उसका एक जो ओरिएंटेशन है, उसको जो एक उसका ऑर्डर है, उसकी जो एक व्यवस्था है, और स्टेबल के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की एक व्यवस्था है, उसमें फर्क है. तो वो व्यवस्थाएं कौन बनाता है? व्हाई व्हाई दिस टेबल इज इन इन्नेंट ऑब्जेक्ट एंड व्हाई आई एम एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग. तो वो कहते हैं इस ऊर्जा को, हमारे भीतर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को या उन मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक शक्ति काम करती है, उसे चैतन्य की शक्ति कहते हैं. वही आत्मा है. सो आत्मा वो तत्व है जो सबको रेगुलेट करता है. आप देखिएगा हमारे शरीर के भीतर कैसे 100 बिलियन सेल्स जो है वो काम करती हैं, और वो 100 बिलियन सेल्स में 50 बिलियन के आसपास तो जो है वो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, जिनको हम फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं, और लगभग 50% हमारी जो ह्यूमन बॉडी सेल्स हैं. कैसे सब लोग एक तालमेल के साथ जीते हैं, कैसे वो सब लोग काम करते हैं. डू यू थिंक हम कॉन्शियसली इन सारे 100 ट्रिलियन टोटल सेल्स हैं बॉडी में, तो 50 ट्रिलियन जो बॉडी के सेल्स हैं उनको डू यू थिंक कि हम उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? हम उन उतने सेल्स में, हर एक सेल में जो है नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो है वो हर पल हर क्षण घटित होते रहते हैं. इवन जो हमारा मस्तिष्क है, दैट इज 1.4 kg, इसमें भी एक सेकंड में कुल 400 बिलियन केमिकल रिएक्शंस होती हैं. 400 बिलियन केमिकल रिएक्शंस 1.4 kg के ब्रेन में एक ही सेकंड में. नाउ यू इमेजिन पूरे दिन में क्या क्या यहाँ होता है. डू यू थिंक वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस, वी आर मैनेजिंग ऑल दीज अफेयर्स? नो, हमारे भीतर एक शक्ति है, चैतन्य की शक्ति, जो इन सबको ऑर्गेनाइज करती है. तो वो कहते हैं कि पूरे जगत के पीछे एक नियामक है, एक शक्ति है जो इस जगत को ऑर्गेनाइज करती है, और वो इस पूरे जगत को एक सृष्टि चक्र के रूप में चलाती है, एक व्यवस्था में, एक ऑर्डर में, एक नियम तंत्र में चलाती है. और जब भी हम कोई नियम देखते हैं, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, हमेशा नियम तंत्र काम करता है. हर चीज के पीछे देखना, एक नियम आपको दिखाई देगा, पृथ्वी के घूमने का, सूरज के उगने का, हर एक पानी में समंदर का पानी उठ रहा है, गिर रहा है, मानसून बन रहा है, हर एक छोटी बड़ी चीज उसके पीछे एक नियम तंत्र दिखाई देता है. तो गुरु जी भी कहते हैं वो जो नियम है, अगर नियम है तो नियामक भी है. इफ देयर आर सम रूल्स, दैट मींस somebody has established it, somebody has designed, somebody has you know aligned those rules. तो हमको क्या करना है? हमको उस वो जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, वो जो चैतन्य है, इतना विराट चैतन्य जो पूरे अस्तित्व को व्यवस्थित करता है, वो चैतन्य क्या है? वो हमारा सच्चा स्वरूप है. वही हमारे सिस्टम को चला रहा है, वही हमारे शरीर को चला रहा है, और वही आप हैं, वो आपका सच्चा स्वरूप है. और हम अपने आप को कैसे कंसिडर करते हैं? हम अपने आप को कंसिडर करते हैं समटाइम्स एज इफ साइकोलॉजिकल बीइंग और फिजियोलॉजिकल बीइंग. हम अपने आप को या तो शरीर के रूप में देखते हैं या फिर विचारों के और फीलिंग्स के रूप में देखते हैं. सो आइदर जिसको हम कहते हैं, हम अपनी एक मनोवैज्ञानिक पहचान रखते हैं, this is what I am, I think this way, I feel this way, I like this, I dislike this. तो हम या तो उस विचारधाराओं का जो पुंज है, भावनाओं का, फीलिंग्स का जो पुंज है, या जो हमारी धारणाएं हैं, जो बिलीफ्स हैं, मान्यताएं हैं, कन्विक्शंस हैं, उनको हम अपने आप को देखते हैं कि this is what I am. लेकिन भगवान कहते हैं this is just 1% of what you are. Rest of the 99% is आप वो परम चैतन्य हो. उस परम चैतन्य में ही ये विचार, ये भावनाएं, ये फीलिंग्स जस्ट उठने वाली छोटी छोटी लहरें हैं. ये उठती हैं, मिटती हैं. टुडे यू थिंक दिस वे, टुमारो यू मे थिंक इन अ डिफरेंट वे. यू रीड अ बुक एंड सम ऑफ योर थॉट्स चेंज. यू जस्ट वॉच अ मूवी एंड देन सर्टेन परसेप्शंस ऑफ योर यू नो गेट्स चेंज अबाउट द वर्ल्ड. यू हैव अ टॉक विद समबडी एंड देन समथिंग क्लिक्स
and then you have altogether a different view at looking things. So वो कहते हैं वो सब परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील है, तो क्या है जो आपके भीतर बदल नहीं रहा? कि वो शक्ति जो मेरे भीतर ये सब को व्यवस्थित करती है, मेरे सारे शरीर को, और वही शक्ति पूरे ब्रह्मांड को व्यवस्थित करती है. तो कहते हैं फिर ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? ये दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं. एक हमने अपने आप को अलग मान लिया है, हमने कहा कि नहीं मैं शुद्ध चैतन्य नहीं हूँ, मैं परम वो आत्मा नहीं हूँ, मैं बस ये शरीर हूँ, मैं बस ये साइकोलॉजिकल बीइंग हूँ. वी हैव आइडेंटिफाइड आवरसेल्फ विद आवर ग्रॉस बॉडी, वी हैव आइडेंटिफाइड आवरसेल्फ विद आवर माइंड. और ये आइडेंटिफिकेशन इतना सॉलिड हो गया है बचपन से, एंड पीपल अराउंड अस वो बार 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 हमको उसी शरीर के साथ जोड़ के बोलते हैं, बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो हमको लगता है दिस इज व्हाट आई एम. तो भगवान ने कहा कि हमको जो है अपनी सच्ची पहचान को जानना है, उस हमारे भीतर के परम चैतन्य के साथ एकाकार की स्थिति में जाना है, योग की स्थिति में जाना. योग मतलब जैसे अभी कहा यूनियन, एक हो जाना. तो उस परम शक्ति जो हमारे भीतर से काम कर रही है, उस और भीतर में काम कर रही है और पूरे बाहर काम कर रही है, उस परम शक्ति के साथ, उस परम चेतना के साथ, उस परम प्रज्ञा के साथ, उस परम जिसको हमें इंटेलिजेंस कहना चाहिए, तो उसके साथ एक हो जाना चाहिए. जैसे हम उसके साथ एक होते हैं, ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ गेट सेटल डाउन. जो दिमाग की चिंताएं हैं, क्रोध है, गुस्सा है, एवरीथिंग, ऑल व्हाटएवर यू हैव प्रॉब्लम्स, ऑल गेट डिसअपीयर्ड, एंड देन यू हैव पीस, देन यू हैव लव. तो आपके मन में करुणा, दया, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, जो हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर जो गुण आप में होने चाहिए, उन गुणों से आप भर जाते हैं, आपका व्यक्तित्व महकने लगता है. तो भगवान कहते हैं कि वो स्थिति प्रज्ञ पुरुष की स्थिति है. पुरुष शब्द का तात्पर्य यहाँ इंसान होने से है, ना केवल महिला या पुरुष. तो वो कहते हैं उस स्थिति में जीना चाहिए. और फिर कैसे होगा ये यूनियन? तो उस यूनियन के लिए दो मार्ग बता दिए, ज्ञान का मार्ग और दूसरा किसका मार्ग? कर्म का मार्ग. तो ज्ञान के मार्ग के बारे में क्या कहा? देखो इसको समझो, पूरे सिस्टम को ये कैसे काम करता है. तो जब हमने देखा और वो समझ आ जाए हमारे भीतर, अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि देखो कैसे एक अद्भुत शक्ति है जो इन मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को, हमारा पूरा शरीर निर्जीव चीजों से बना है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर. तो ये मैं आपको ज्ञान के लेवल पर समझा रहा हूँ. पर सही पूछो तो ज्ञान के लेवल पर वो उतनी साइंस में कई बार दिक्कत होती है, क्वांटम फिजिक्स को पकड़ने में दिक्कत होती है, कई बार बात समझ भी आ जाती है लेकिन वो लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होती. जितनी देर चर्चा करते हैं याद रहती है, फिर भूल जाते हैं. तो भगवान कहते हैं कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान मार्ग से इसको रियलाइज कर लेते हैं, इसको महसूस कर लेते हैं, इसको अनुभव कर लेते हैं, इसको वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं. अगर उनको बात समझ में आ जाए देन एंड देयर द एक्सपीरियंस. तो दूसरी बात क्या होती है? दूसरे वो कहते हैं कर्म का रास्ता है. कर्म कैसे करें? तो उसके बारे में उन्होंने पूरा एक प्रोसेस समझा दिया. सबसे पहले तो कर्म में हमको प्रवेश ही क्यों करना है? कर्म में इसलिए प्रवेश करना है कि हम उस आत्म तत्व को अनुभव कर लें, उसके साथ एकाकार की स्थिति में चले जाएं. तो वो कहते हैं कि जब हम अपने उस आत्म तत्व के साथ एकाकार करते हैं तो हमको समझ आ जाता है कि दैट तत्व इज ओनली डूइंग एवरीथिंग इन मी. वो परम तत्व जो मेरे सारे इस सिस्टम को चलाता है, सारे संसार को चलाता है, वो ही मुझे चलाता है. तो उस प्रज्ञा के साथ, उस इंटेलिजेंस के साथ आप जब जीवन को जीते हैं, एवरीथिंग बिकम्स ईजी फॉर यू. जो विचार आपके मन में आता है वो घटने लगता है, वो होने लगता है धीरे 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 धीरे. चीजें जो है जिस तरह से आप जीवन को जीना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वही आपके जीवन में घटित होने लगता है, बनने लगता है, होने लगता है. ठीक है ना? यू थिंक और स्लोली एंड ग्रेजुअली एवरीथिंग अराउंड यू, यू नो, गोज लाइक दैट. तो यहाँ पर कर्म में भगवान कहते हैं कि हमको धीरे धीरे उस ऊंची स्थिति में जाना है जिसे हमको ये लगे वो आत्मा ही मेरे भीतर से काम कर रही है, वो परमात्मा ही मेरे भीतर से काम कर रहा है. ठीक है ना? तो हमको कई बार क्या लगता है, कोई आदमी हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है और बुरा बर्ताव करता है तो हम उसको पेशेंस रखते हैं. जब हम पेशेंस रखते हैं तो हमको क्या लगता है, देखा मैंने पेशेंस रखा,
उस आदमी ने मेरे को इल ट्रीट किया, पर मैंने पेशेंस रखा, मैंने धीरज रखा। अगर वो आदमी आपको 4 बार 5 बार 10 बार अगर इल ट्रीट करे, गुस्सा करे, इरिटेट करे, तो फिर एक दिन आप कहते हो अब मेरा धीरज टूट गया है, अब मेरा धीरज का बांध टूट गया है, एंड देन यू ऑल्सो गेट इन टू इट। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि अरे तुम देखो, वो धीरज धरने वाले तुम नहीं हो, वो तुम्हारे भीतर का आत्म तत्व है, वो मैं ही हूं। तो जब हमको लगता है कि मैं कोई धीरज वीरज नहीं रख रहा हूं, वो परमात्मा ही मेरे भीतर से काम कर रहे हैं, ठीक है, आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस। तो आप जो है वो एक भीतरी गुस्से से नहीं भरेंगे, बल्कि उस व्यक्ति के प्रति भी एक अलग तरह की दृष्टि आप में आ जाएगी। देखो ये कैसे परेशान होता है, कैसे छोटी छोटी बातों में इरिटेट होता है, मैं इस व्यक्ति का कैसे भला कर सकता हूँ, ये मेरे भीतर का परमात्मा कैसे उसका सहयोग कर सकता है। और कुछ नहीं तो मैं एक छोटी प्रार्थना ही करूँ कि परमात्मा जितनी शांति जितना सुख आपने मेरे जीवन में दिया है, इस व्यक्ति के जीवन में भी दो। एंड आई एम टेलिंग यू, प्रेयर्स आर ऑलवेज एंसर्ड, क्योंकि उस व्यक्ति के भीतर भी वही परम तत्व है। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसके भीतर वो आत्म तत्व जो है ना झलकने लगता है, वो आत्म तत्व उसके अंदर से उठने लगता है, उसको थोड़ी शांति की अनुभूति होती है। इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, पर हमको क्योंकि सिखाते नहीं पढ़ाते नहीं, इसलिए बड़े कंफ्यूजन होते हैं लाइफ में। तो धीरे धीरे हमें उस स्थिति में जाना, कौन पढ़ रहा है, वो परमात्मा ही मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं, है ना, मैं उस प्रोसेस में हूँ। तो अगर वही सुन रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, वही बोल रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे अहम भाव कम होने लगता है, तो टकराव कम होने लगता है, दूसरों के प्रति एक अलग तरह का माहौल आपके मन में, एक सकारात्मक माहौल, एक प्रेमपूर्ण माहौल आपके हृदय से जो है वो प्रकट होने लगता है। जीवन में चारों तरफ एक अलग तरह की आनंद, एक अलग तरह का शांति जो है, एक क्रिएटिविटी आपके चारों तरफ फैलने लगती है। तो कहते हैं वो सबसे ऊंची अवस्था जाना हमारा लक्ष्य है, अकर्म की स्थिति तक जाना, जब आपको लगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे भीतर से वो परम तत्व ही सब कर रहा है। तो ये एक बात हो गई। और फिर कर्म की इस सिद्धांत, उस स्थिति तक जाएं कैसे, उसका पूरा प्रोसेस हमने डिस्क्राइब कर लिया, हमने उसकी डिटेल से बात कर ली। आप कहें तो उसको दोबारा से पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर लें, और अगर उन सारे पॉइंट्स में अगर आप चाहें तो एक बार मैं दोबारा आपको सारे एक एक करके पॉइंट्स बता दूं, और अगर आपको याद है तो ठीक है, एज यू से कैसा करें, आप ध्यान होंगे, आप लिखे भी होंगे बहुत सारे लोगों ने, मैं एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूँ कुछ एक मेन पॉइंट्स। तो भगवान कहते हैं कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसे कैसे करना चाहिए, तो वो कहते हैं आसक्ति से रहित होकर के करना चाहिए। ये बहुत बड़ी गीता का संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है गीता का। वो कहते हैं कि हमारी जो टेंडेंसीज हैं, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, जो अनकॉन्शियसली हम जिए चले जाते हैं, उसको रोकना चाहिए। हमें पूरा जब भी हम कुछ कर रहे हैं, इस वर्तमान पल में हमें ठहरना चाहिए, माइंडफुल होकर के, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं हम, जिसे साक्षी भाव कहते हैं, जिसे प्रज्ञापूर्ण तरीके से जीवन को जीना कहते हैं, वैसे हमको पूरी तरह से जागृत होकर के जीवन में हर चीज को करना चाहिए। जो चीज करें वहां पे 100% उसमें हमारी उपस्थिति होनी चाहिए, और जब 100% हम काम को करते हैं, क्या होगा, वो सफल हो जाएगा। और उस काम को इतना डूब के करें कि आप उस काम में खो जाएं, और उसको ऐसे समझ के करें कि दिस इज माई ड्यूटी, this is the purpose of my life, this is what I can do, this is what I need to do, and then you see that's your responsibility, and who has given that responsibility to you, this existence। to ek karm ke siddhant ki choti si baat aapko bata do, aap zinda hai, saans chal rahi hai, hum sab baatein sun rahe hain, is puri jeevan ki vyavastha ko banane ke liye aapke bhitar, jaise maine abhi abhi kaha, 100 trillion सेल्स हैं जो ये सब कर रहे हैं। इवन कुछ बैक्टीरिया हैं जो आपके शरीर के लिए अलग अलग तरह के विटामिन्स बनाते हैं और वो आपको दे देते हैं ताकि आपका जीवन स्वस्थ और अच्छा चलता रहे। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपकी जो शरीर की सारी कोशिकाएं जो हैं आपके जीवन के लिए कितनी मेहनत करती हैं, कितना प्रयास करती हैं, कितना काम करती है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, ब्रेन की कोशिकाएं ही
400 बिलियन एक्शंस आपके लिए परफॉर्म करती है, इतना सारा काम वो सारी कोशिकाएं आपके लिए करती हैं। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? या वो कोशिकाएं बस अपना काम किए चले जा रही हैं, वो हमसे कुछ मांग रही हैं क्या? एक व्यवस्था से जो चाहिए उनके पास अपने आप पहुंच जाता है। दे आर नॉट डिमांडिंग, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, और इवन वी आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशंस। वो अपना काम किए चले जा रहे हैं। उसी तरीके से जैसे शरीर में अलग अलग जीवित इकाइयां, कोशिकाएं अपना अपना काम अपने अपने तरीके से करते जाती हैं, अपना अपना रोल प्ले करते जाती हैं, ठीक उसी तरह से हम सारे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हम सबके अपने अपने रोल्स हैं। हम उन रोल्स को अगर बेस्ट तरीके से परफॉर्म करते चले जाएं, ये दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। हम एक तो अपने आप को क्या करते हैं, सब अलग अलग देखते हैं, हमको लगता है ये इंसान अलग, मैं अलग, हम सब अलग अलग। जैसे शरीर की कोशिकाएं अलग होते हुए भी एक हैं, सारे मानव अलग होते हुए भी एक हैं, और हम सब आपस में उस चेतना से कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं। तो जैसे ही आप किसी भाव से भरते हैं, किसी सकारात्मक भाव से भरते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने के लिए आ जाएगा, ठीक है ना? ये सारी चीजें, पूरा अस्तित्व जो है आपकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाएगा। बस आपको प्रेम पूर्ण तरीके से उस अहंकार को थोड़ा सा ढीला करते हुए, और भगवान जो कर्म का मार्ग हमें बता रहे हैं, बस उस पर चलने भर की देर है।